सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मंडुआ का आटा आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद होता है और आप लोगों को मंडुए का आटा कई रोगों से भी बचाता है। वो कैसे फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। मंडुआ और रागी को कई अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में इसे मंडुआ के नाम से जाना जाता है तो वहीं तेलुगु और कन्नड़ भाषा में इसे रागी के नाम से जाना जाता है। रागी या मंडुआ के आटे में पौष्टिक तत्वों से भरपूर अनाज की एक किस्म है, जिसका इस्तेमाल रोटी, सूप, जूस, उपमा, डोसा, केक, चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स और आयुर्वेदिक दवा के रूप में होता है। फ्रेंड्स, कई घरों में मंडुए के आटे को गेहूं के आटे के साथ मिलाकर रोटी बनाकर खाई जाती है। ये शरीर को कई बीमारियों से निजात भी दिलाता है। मंडुए के आटे में कैल्शियम, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, आयरन, मिथियोनिन, रेसे, लेसिथिन जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं मंडुए से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में। पहला जो इससे हमें फायदा होता है फ्रेंड्स, वो होता है यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। मंडुए के आटे में 80% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। मंडुए का आटा हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचाने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के हड्डियों में दिक्कत आती है, आप लोगों के हड्डियों में दर्द होती है, तो आप लोग जरूर मंडुए के आटे की रोटी खाएं। दूसरा जो फ्रेंड्स इसका हमें फायदा होता है, वो होता है यह हमारे चेहरे को हमेशा जवान रखता है। मंडुए का आटा खाने से स्किन हमेशा जवान बनी रहती है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड की मदद से स्किन टिश्यू झुकते नहीं है, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा मंडुआ विटामिन डी का भी अच्छा सोर्स है। मंडुए की रोटी खाने से हमारा फेस काफी ग्लो करता है, हमारे फेस पे जो भी दाग धब्बे होते हैं वो सारे मिट जाते हैं और हमारा फेस काफी चमकदार बन जाता है। तीसरा जो फ्रेंड्स इसका हमें फायदा होता है, वो होता है एनीमिया के लिए। मंडुए के आटे में आयरन का मुख्य स्रोत है। एनीमिया से जूझ रहे और कम हीमोग्लोबिन वाले मरीजों के लिए मंडुआ लाभदायक है। खासकर महिलाओं को तो मंडुए का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर मंडुए को अंकुरित करके खाया जाए तो विटामिन सी का लेवल और बढ़ जाता है और आयरन शरीर में आसानी से पच जाता है और हमें खून भी आसानी से मिल जाता है। चौथा फ्रेंड्स जो इसका हमें फायदा होता है, वो होता है कब्ज के लिए। मंडुआ खाने से पेट की गैस, कब्ज की समस्या कम होती है और हमारी पाचन शक्ति भी सही होती है। मंडुआ एक ऐसा अनाज है जो जल्दी पच जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कब्ज जैसी शिकायत है, एसिडिटी जैसी शिकायत है, तो आप लोग मंडुए का जरूर सेवन करें, इससे आप लोगों को फायदा होगा। फ्रेंड्स, पांचवा जो इसका हमें फायदा होता है, वो होता है यह हमें स्ट्रेस से दूर रखता है। मंडुए के आटे में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो प्राकृतिक तरीके से हमें तनाव मुक्त रखते हैं। माइग्रेन की बीमारी में भी मंडुआ का आटा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आप लोगों को स्ट्रेस फ्री रखता है। तो अगर आप लोग भी ज्यादा तनाव में रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो आप लोग मंडुए के आटे की रोटी जरूर खाएं। फ्रेंड्स, छठवां जो इसका हमें फायदा होता है, वो होता है यह हमारे वेट को नहीं बढ़ने देता है। मंडुए के आटे में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने के बाद पेट अधिक समय तक भरा भरा रहता है। इससे भूख कम लगती है और वजन कम होने में भी हमें मदद मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मंडुआ का आटा ब्लड शुगर लेवल को भी कम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी खाने की ज्यादा आदत है, आप लोग भी हर एक घंटे बाद खाना खाते रहते हैं, तो आप लोग मंडुए की रोटी या मंडुए से बनी बिस्किट,
केक या किसी भी चीज का सेवन करें। इसका सेवन करने से आप लोगों को जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, अपना खुद का दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी मंडुए का आटा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन से महिलाओं को पूरा मिनरल्स की पूर्ति आसानी से होती है और बेस्ट मिल्क का उत्पादन उनके अंदर होता है, जिससे उनके शिशु को पोषक तत्व मिलता है, उनका शिशु स्ट्रॉन्ग होता है और वो बीमारियों से भी बचे रहते हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ मंडुआ खाने से होने वाले फायदों के बारे में। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।